केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिताभ गौतम ने गुरुवार को जोधपुर जिले में संचालित जल शक्ति अभियान की विस्तार से समीक्षा की। संयुक्त सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अब तक अभियान के तहत किए गए कार्य योजनाबद्ध तरीके से तथा प्रगति के साथ नजर आ रहे हैं। इस दिशा में अब तेज गति की आवश्यकता है। वर्तमान में वर्षा ऋतु व मानसून के दृष्टिगत 15 सितंबर तक बनाए गए लक्ष्यों की शेष 55 दिन में पूरा करना जरूरी है। इसके लिए लक्ष्य पुनर्निर्धारित करें और 15 सितंबर से पूर्व ही पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। अपने निर्धारित कैंप एरिया में कार्यों को गति के साथ अंजाम दिया जाएगा तो निश्चित ही हम लक्ष्य पूर्ण करने के समर्थ रहेंगे। उन्होंने बैठक में वाटर कंजर्वेशन रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज और टैंक रिड्यूस ऑफ डिस्चार्ज स्ट्रक्चर वाटरशेड डेवलपमेंट तथा इनिशिएटिव एंड एवर्जन पर विस्तार से समीक्षा की। अभियान की समीक्षा के तहत बताया गया कि जिले में सरकारी भवनों पर रूफ टॉप ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में 15 सितंबर तक 24 लाख रुपए अनुमानित व्यय होंगे। इसी तरह फॉर्म पोन्ड्स में 27,99,000, टांका में सामूहिक टांका निर्माण नरेगा के तहत 16,43,55,000 तथा व्यक्तिगत टांकों में 4,76,00,000 रुपए सितंबर माह तक व्यय किए जाएंगे। जैसे पोर्टल पे रैंकिंग जो होगी ना, अब थोड़ी फास्टर पेस पे होगी। अगर अभी आपने अचीवमेंट्स दिखाने में ही पीछे रह जाएंगे तो आप रैंकिंग ये सब पीछे रह जाएंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं है आपको अपने जो हमने काम कर भी दिया और दिखाया भी ना।